अपने उन वीर जवानों को श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने ठीक एक बछर पूर्व आज ही के दिन कर्तव्य की बलि देवी पर अपने प्राण निछावर किए थे। वो सदा अमर हो गए। हमने 14 फरवरी 2019 को अपने साथी खोए, लेकिन उसी दिन उनको ना भूलने का भी वादा किया था। मैं गर्व और शान के साथ ये कहना चाहता हूँ कि जिन एंटी नेशनल एलिमेंट्स ने इस आतंकवादी हमले को अंजाम दिया था, उनमें से अधिकतर या गिरफ्तार हो चुके हैं या CRPF, इंडियन आर्मी और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के अभियानों में एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। आज हम अपने वीर साथियों के परिवारजनों को भी नमन करते हैं। आप हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं। हम आज फिर आपको ये आश्वासन देते हैं कि ना सिर्फ CRPF पर पूरा देश आपके साथ है। CRPF को विश्व का सबसे बड़ा पैरामिलिट्री फोर्स होने का गौरव प्राप्त हुआ है। हमें अपने इतिहास और रणबांकुरों पर गर्व है। आज हम बल के 2201 शहीदों का भी नमन करते हैं। CRPF देश के लोगों से जुड़ा है। हमने देश की हिफाजत और सलामती की कसम खाई है। ये भावना हमारे रगों में बहती है। उस पर भी देशवासियों का नाम है। मुझे अत्यंत खुशी है कि आज रक्तदान का शिविर यहाँ पे लगाया जा रहा है। आज के दिन हम देश और देशवासियों की सेवा में स्वयं को फिर समर्पित करते हैं। बल के शहीदों का शत शत नमन। जय हिंद। हमारा हिंदुस्तान इंडिया शहीद और शहादत से बना है और ये भारत के सभी 28 स्टेट और 9 यूनियन टेरिटरीज के शहीदों के प्रति ये सम्मान है। ये मेरा सम्मान नहीं है, ये हमारे मातृभूमि, ये हमारे देश के रक्षक CRPF, आर्म फोर्सेस और सभी पैरामिलिट्री फोर्सेस, ये उनका रिस्पेक्ट है। मैंने अब तक 61,000 किलोमीटर चल चुका हूँ और ये इतिहास मैंने इसलिए बनाया है कि हमारी भारत की जो जनता है, रेस्ट इन पीस, वी स्टैंड विद द इंडियन आर्म फोर्सेस। मैंने ये दिखाया कि बिना कोई टिकटॉक के, बिना कोई वेब पेज के, ना मेरा कोई NGO अकाउंट है, ना मुझे किसी ने फाइनेंस किया है, ना कोई स्पॉन्सर है। मैंने यही बोला कि निस्वार्थ में शहीदों के प्रति और शहादत के प्रति मैं करूंगा। कि मैं सभी पुलवामा शहीदों के घर पे गया हूं। वो पत्नी ने अपने पति को, वो बच्चों ने अपने पिताजी को खोया है, वो दोस्त ने अपने दोस्त को खोया है। इसके ऊपर और कुछ नहीं हो सकता है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि CRPF ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है, डॉक्यूमेंट दिए हैं और मैं आज जो भी खड़ा हूँ, ये CRPF हमारे 40 पुलवामा शहीद, उनके घर से जो मिट्टी मैंने इकट्ठी की है और जहाँ पे उनका अंत संस्कार हुआ है वहाँ से मैंने मिट्टी ली है, उनके परिवार ने ये मिट्टी दी है और ये पहले बार ऐसा हुआ है कि एक कॉमन आदमी, एक भारतीय नागरिक, जब वो जिम्मेदार नागरिक अगर बन जाए वो क्या कर सकता है, ये उसका मैंने एक नींव रचा है और ये मैं आगे भी करूंगा। ये मिशन यहाँ पर ख़त्म नहीं होता है। 9 अप्रैल 2020 को रन ऑफ कच्छ सरदार पोस्ट में जो वैलेंस डे मनाया जाता है उस दिन मेरा ये इवेंट ख़त्म होगा और मैं सभी मीडिया से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपका सपोर्ट पहले दिन से अब तक बरकरार था और आगे भी रहेगा। जय हिंद, जय भारत।